डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेक्स्टर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के पार्ट सेकंड को। पार्ट फर्स्ट में हमने इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट, इसकी अजम्पशंस, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और आज हम इस मॉडल के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेक्स्टर ओलिन मॉडल, विच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ टू कंट्रीज, जो कि दो राष्ट्रों की मान्यताओं पर आधारित है, उसमें किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो यहां पर उन दोनों कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट्स और फैक्टर अबंडेंस, यहां पर दोनों देशों के बीच में जो साधन गहनताएं हैं या साधन प्रचुरताएं हैं उनमें अंतर है। यानी एक कंट्री है उसमें कैपिटल ज्यादा है, वो कैपिटल रिच कंट्री है, वहां पूंजी अधिक है कंपेयर टू लेबर, श्रम की तुलना में, इसलिए वो पूंजी प्रधान देश हो गया, ठीक है, पूंजी प्रचुर देश हो गया। और दूसरा जो कंट्री है वहां लेबर ज्यादा है, श्रम ज्यादा है कंपेयर टू कैपिटल, पूंजी की तुलना में, तो श्रम प्रचुर देश हो गया। तो दोनों कंट्रीज में हम ये मान रहे हैं कि एक कंट्री कैपिटल रिच है और दूसरा लेबर रिच है। पहला देश पूंजी प्रचुर देश है और दूसरा देश श्रम प्रचुर देश है। इस तरह से दोनों कंट्रीज में जो फैक्टर एंडोमेंट्स हैं, जो साधन गहनताएं हैं या जो साधन प्रचुरताएं हैं, वो अलग अलग है। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया, हाउ कैन वी डिफाइन द फैक्टर अबंडेंस और फैक्टर एंडोमेंट्स। हम कैसे पता लगाएंगे कि किस देश में कौन सा साधन प्रचुर है, साधन गहनता का तात्पर्य क्या होगा, फैक्टर एंडोमेंट्स का क्राइटेरिया क्या होगा, फैक्टर अबंडेंस का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा कंट्री कैपिटल रिच है और कौन सा कंट्री लेबर रिच है, किस देश में पूंजी प्रचुर मात्रा में है और किस देश में श्रम प्रचुर मात्रा में है। तो फैक्टर अबंडेंस या फैक्टर एंडोमेंट्स को डिफाइन करने के लिए यहां हेक्स्टर ओलिन थ्योरी में दो क्राइटेरियाज हैं, दो दृष्टिकोण हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइजेस, साधन कीमतों के रूप में साधन प्रचुरताएं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस क्राइटेरियन, जिसे कीमत दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यानी हम फैक्टर प्राइसेस, दोनों देशों में जो साधनों की कीमतें हैं, जो फैक्टर्स की प्राइसेस है, फैक्टर्स हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हम फैक्टर्स अज्यूम करके चल रहे हैं लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी। तो कंट्री ए में लेबर की प्राइस क्या है, कैपिटल की प्राइस क्या है, कंट्री बी में लेबर की प्राइस क्या है, कैपिटल की प्राइस क्या है। तो दोनों कंट्रीज में दोनों फैक्टर्स की प्राइस को देखकर हम ये बता देंगे कि किस कंट्री को हम लेबर रिच बोलेंगे और किस कंट्री को हम कैपिटल रिच बोलेंगे, किस देश को हम श्रम प्रचुर देश बोलेंगे और किस देश को हम पूंजी प्रचुर देश बोलेंगे। तो यहां बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस कंट्री में कैपिटल चीपर है एंड लेबर इज एक्सपेंसिव, जिस देश में श्रम सस्ता है और पूंजी महंगी है, वो देश कैपिटल अबंडेंस कंट्री होगा, ठीक है, जिस वो देश लेबर अबंडेंट कंट्री होगा, वो श्रम प्रचुर देश होगा। फिर से समझिए, जिस कंट्री में लेबर चीपर है एंड कैपिटल इज एक्सपेंसिव, श्रम सस्ता है और पूंजी महंगी है, तो उसे हम श्रम प्रचुर देश, लेबर अबंडेंस कंट्री बोलेंगे। इसी तरह से जिस कंट्री में कैपिटल इज चीपर एंड कंपेयर टू कैपिटल लेबर इज एक्सपेंसिव, जिस देश में पूंजी सस्ती मिल रही है और श्रम पूंजी की तुलना में महंगा है, उस कंट्री को हम कैपिटल अबंडेंस कंट्री बोलेंगे, पूंजी प्रचुर देश बोलेंगे। ये क्राइटेरिया रहे। तो यहां पर जैसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम दो कंट्री ले रहे हैं और ये दो कंट्री है मान लीजिए ए एंड बी, और हम दो फैक्टर्स ले रहे हैं और ये दो फैक्टर्स क्या हैं, ये दो फैक्टर्स हैं लेबर और कैपिटल। तो जब हम इन दोनों कंट्रीज में, इन दोनों देशों में लेबर और कैपिटल की प्राइस को कंपेयर करेंगे, श्रम और पूंजी की कीमतों की तुलना करेंगे, और मान लीजिए हमारे पास प्राइस ऑफ कैपिटल, ये जो इक्वेशन आती है वो आती है प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल
to price of labor in country A is less than the ratio of price of capital to price of labor in country B. यानी A देश में पूंजी की कीमत का श्रम की कीमत से जो हम अनुपात ले रहे हैं वो कम आता है B देश के पूंजी और श्रम की कीमतों के अनुपात से. तो इसका मतलब A कंट्री कैपिटल अबंडेंस कंट्री हो गया है. A कंट्री कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाएगा, कैपिटल अबंडेंस कंट्री हो गया. और जो B कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाएगा, वो लेबर अबंडेंस कंट्री हो गया. A देश पूंजी प्रचुर देश हो गया है, वो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगा. और बी देश लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा, वो श्रम प्रधान तकनीक का यूज करेगा क्योंकि वो श्रम प्रचुर देश है. तो इस तरह से हम दोनों कंट्रीज के अंदर जो दोनों फैक्टर्स की प्राइजेस हैं, तो अगर जिस कंट्री में श्रम सस्ता मिल रहा है, लेबर चीपर मिल रहा है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा, वो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक काम में आने वाली है. और इसी तरह से अगर कैपिटल जिस कंट्री में सस्ता है तो वो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर बेस है. तो ये इक्वेशन हमारी यहां पर बन गई कि रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल टू प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री ए इज लेस देन द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल टू प्राइस ऑफ लेबर इन कंट्री बी. इसका मतलब ए देश जो है वो कैपिटल अबंडेंस कंट्री हो गया है और बी देश जो है वो लेबर अबंडेंस कंट्री हो गया है. तो ये हमारे पास कंक्लूजन यहां पर आ गए हैं. अब टू कंट्रीज टू फैक्टर्स एंड टू कमोडिटीज तो ये दो कमोडिटीज हम यहां ले रहे हैं एक्स और वाई. तो वी अज्यूम कि एक्स जो है इट इज बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. जो X कमोडिटी है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे बेस है एंड Y इज बेस्ड ऑन जो Y का प्रोडक्शन होगा, Y का उत्पादन होगा, ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे होगा. तो जब हमने अज्यूम कर लिया यहां पर, ये मान लिया है कि अगर आप X कमोडिटी को बनाना चाहते हैं तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे और अगर आप Y कमोडिटी को बनाना चाहते हैं तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे. तो हमने देखा यहां पर कि A जो है वो कैपिटल अबंडेंस कंट्री है, तो इसका मतलब ए कंट्री वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा क्योंकि वो पूंजी प्रचुर देश है, कैपिटल अबंडेंस कंट्री है. और ए देश ये हो गया ए देश. बी देश लेबर अबंडेंस कंट्री है और लेबर अबंडेंस कंट्री यानी एक्स कमोडिटी लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे बेस है, इसलिए बी देश किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा. एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक्स कमोडिटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे बेस है और यहां पर बी कंट्री ऐसा कंट्री है जो लेबर अबंडेंस कंट्री है, जो श्रम प्रचुर देश है, इसलिए बी देश एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और ए देश जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे बेस वाई कमोडिटी है और ए देश कैपिटल अबंडेंस कंट्री है, इसलिए वो वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा. तो ये तो हुई यहां तक की बात कि किस तरह से जो फैक्टर प्राइसेस हैं उनके बेस पर हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस कंट्री को कौन सी कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए. अब हम बात करेंगे डायग्रामेटिक एनालिसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, कि इस क्राइटेरिया को, इस दृष्टिकोण को हम डायग्राम से समझने वाले हैं. तो अब हम इसका डायग्रामेटिक एनालिसिस करने वाले हैं. तो आप देखिए यहां पर एक डायग्राम हम ले रहे हैं. ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हम जो दोनों फैक्टर्स हैं हमारे, यहां हम ले रहे हैं कैपिटल, वाई एक्सिस पर पूंजी और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं लेबर. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे हमने लेबर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल लिया है. अब दो कंट्री है हमारे पास ए और बी, तो सबसे पहले हम यहां पर एक फैक्टर प्राइस लाइन, साधन कीमत रेखा जो है वो हम यहां बना रहे हैं. ये आपकी मान लीजिए ए कंट्री की फैक्टर प्राइस लाइन है ए ए वन,
ये ए कंट्री की फैक्टर प्राइस लाइन है। अब दो आइसोकॉन्ट ले रहे हैं हम, समोत्पत्ति वक्र, ये है एक आइसोकॉन्ट वाई वाई, ये वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन टेक्निक को शो कर रहे हैं, ये वाई वस्तु के उत्पादन को प्रकट कर रहा है, ये वाई कमोडिटी का आइसोकॉन्ट हो गया, और एक आइसोकॉन्ट हम एक्स कमोडिटी का ले रहे हैं, ये एक्स कमोडिटी का आइसोकॉन्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाई कमोडिटी, ये एक्स कमोडिटी, तो ये जो आइसोकॉन्ट है, जो समोत्पत्ति वक्र है, ये दोनों कंट्रीज के लिए सेम है, जैसा हमने अजम्पशन में लिया था, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज में प्रोडक्शन की टेक्निक जो होगी वो सेम रहेगी, तो वाई वाई आइसोकॉन्ट ये वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन को शो कर रहा है, एक्स एक्स जो समोत्पत्ति वक्र आइसोकॉन्ट है वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर ए कंट्री वाई कमोडिटी की एक यूनिट बनाना चाहता है, मान लीजिए कंट्री ए है और कंट्री ए Y कमोडिटी की एक यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो उसको कितने फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो यहां देखिए आप, ये जो फैक्टर प्राइस लाइन है ए ए वन, ये आइसोकॉन्ट को E पॉइंट पर टेंजेंट कर रही है, E पॉइंट पर स्पर्श कर रही है। तो यहां से हमें ये पता लगेगा कि इस Y की एक यूनिट को बनाने के लिए, Y वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए, यहां पर C और D, यानी OC अमाउंट ऑफ कैपिटल OC पूंजी एंड OD लेबर, ये A कंट्री को लगाना पड़ेगा किसके लिए, फॉर Y कमोडिटी कि Y की एक यूनिट बनाने के लिए। आप फिर से समझिए, E पॉइंट जहां ये फैक्टर प्राइस लाइन टेंजेंट है आइसोकॉन्ट के, यहां से हमें पता लग रहा है कि एक यूनिट Y अगर एक कंट्री बनाना चाहता है तो उसे OD अमाउंट ऑफ लेबर और OC अमाउंट ऑफ कैपिटल, OC मात्रा पूंजी की और OD मात्रा लेबर की लगानी पड़ेगी। इसी तरह से जो X कमोडिटी का आइसोकॉन्ट है, जो X वस्तु का समोत्पत्ति वक्र है, उसको ये फैक्टर प्राइस लाइन ए कंट्री की, ए देश की जो फैक्टर प्राइस लाइन है ए ए वन, वो टेंजेंट कर रही है ई वन पॉइंट पर, और ई वन पॉइंट पर टेंजेंट कर रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि अभी ए कंट्री को अगर एक्स कमोडिटी बनानी है, एक्स की एक यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो एक्स की एक यूनिट बनाने के लिए ये कितना कैपिटल और लेबर लगाएगा वो हम यहां कंपेयर करते हैं। तो यहां मैंने ये इनको लाइन से मिलाया, तो ये हमारे पास आ गया C1D1। तो आप देखिए OC1 अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस OD1 अमाउंट ऑफ लेबर। फिर से आप देखिए कि अगर Y की एक यूनिट, A देश की बात हो रही है अभी, अगर ए देश वाई कमोडिटी बना रहा है तो एक यूनिट वाई का प्रोडक्शन करने के लिए, एक इकाई वाई का उत्पादन करने के लिए उसे ओसी कैपिटल ओडी लेबर लगानी पड़ेगी। इसी तरह से एक्स की एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए उसे ओसी वन कैपिटल और ओडी वन लेबर लगानी पड़ेगी। तो यहां हम देख रहे हैं क्या अज्यूम किया था हमने, और जो क्राइटेरिया निकला था हमारा उसमें यह कंक्लूजन था कि ए देश कैपिटल अबंडेंस कंट्री है, ए देश पूंजी प्रचुर देश है, इसलिए वहां प्राइस ऑफ कैपिटल कम है और प्राइस ऑफ लेबर ज्यादा है, ठीक है। वहां जो पूंजी की कीमत है वो कम है, यानी पूंजी सस्ती है और श्रम महंगा है। तो हम देख रहे हैं कि वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसे ओसी कैपिटल का यूज करना पड़ रहा है, जबकि एक्स कमोडिटी की एक यूनिट के लिए उसे केवल ओ सी वन कैपिटल का यूज करना पड़ रहा है, लेबर ज्यादा लगाना पड़ रहा है और लेबर वहां महंगा है। तो इसका मतलब वो एक्स कमोडिटी की तरफ नहीं जाएगा और ये कंट्री वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, क्योंकि यहां उसे ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ रही है और कैपिटल यहां पर सस्ती है इस कंट्री के अंदर, ठीक है। अब ये Y कमोडिटी में के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और Y कमोडिटी को बनाकर उसे B देश को एक्सपोर्ट करेगा और उसके बदले में उससे X कमोडिटी इंपोर्ट करेगा। तो
तो ये तो बात हुई कंट्री ए की। अब हम देखते हैं कंट्री बी। इसी तरह से हम कंट्री बी के भी कंक्लूजन निकालेंगे कि वहां भी एक्स और वाई कमोडिटी को बनाने के लिए कितना लेबर कैपिटल की जरूरत है। तो आप देखिए कंट्री बी के लिए हम यहां पर वाई कमोडिटी के लिए उसे कितने लेबर कैपिटल की जरूरत होगी उसको डिसाइड करने के लिए हम यहां एक फैक्टर प्राइस लाइन बना रहे हैं। ये मान लीजिए फैक्टर प्राइस लाइन, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया बी बी वन, ये एक फैक्टर प्राइस लाइन आ गई है बी बी वन। और ये जो बी बी वन लाइन है बी कंट्री की, ठीक है, बी बी वन लाइन। अब देखिए बी बी वन लाइन आइसोक्वांट को टेंजेंट कर रही है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट है मान लीजिए के पॉइंट। तो अब हमें इस के पॉइंट से पता लगेगा कि y कमोडिटी की एक यूनिट बनाने के लिए b देश को कितना लेबर और कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो यहां से हम ये क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये k पॉइंट हमें बता रहा है कि एक यूनिट y के लिए b देश को ओ एम लेबर और ओ एन कैपिटल, सॉरी ओ एन कैपिटल एंड ओ एन लेबर। तो आप देखिए ये वाई कमोडिटी, और इस वाई कमोडिटी की एक यूनिट के लिए ओ एम कैपिटल प्लस ओ एन लेबर, ओ एन लेबर ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर ये फैक्टर प्राइस लाइन आइसोक्वांट वाई वाई को, जो वाई कमोडिटी का आइसोक्वांट है, टेंजेंट कर रही है, उस पॉइंट से हमें पता लग गया कि एक यूनिट वाई का प्रोडक्शन अगर कंट्री बी करता है तो उसे ओ एम अमाउंट ऑफ कैपिटल और ओ एन अमाउंट ऑफ लेबर का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से अब हमें एक्स कमोडिटी, बी देश अगर एक्स कमोडिटी की एक यूनिट बनाता है तो एक्स कमोडिटी का आइसोक्वांट ये है, और यहां एक्स कमोडिटी की एक यूनिट में लेबर कैपिटल कितना लगेगा उस क्वांटिटी को निकालने के लिए हम एक लाइन और बना रहे हैं जो बी बी वन के टेंजेंट होगी, बी बी वन के टेंजेंट होगी। तो ये लाइन जो है, जो बी बी वन के टेंजेंट है, ये मान लीजिए बी टू बी थ्री, ये लाइन आ गई हमारी बी टू बी थ्री। और आप देखिए ये जो B पैरेलल होगी B2 B, ये लाइन B B1 जो लाइन है इसके B2 B3 लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, मैं टेंजेंट बोल गया था, पैरेलल होगी, समानांतर होगी। तो यहां पर ये लाइन इस आइसोक्वांट को, XX वाले आइसोक्वांट को, जो B B1 लाइन है वो Y की हमें यहां पर अमाउंट बता रही है कि कितना कैपिटल कितना लेबर लगेगा, और एक लाइन हमने कि बी देश को एक्स कमोडिटी बनाने में कितना लेबर कैपिटल लगेगा, तो ये इसके बिल्कुल एक पैरेलल लाइन हमने बी टू बी थ्री ली, और ये के वन पॉइंट पर इस एक्स कमोडिटी के आइसोक्वांट के यहां टेंजेंट है, स्पष्ट कर रही है। तो यहां से हमारे पास कॉस्ट आ गई है, जैसे ही हम इस लाइंस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास कॉस्ट यहां पर आ गई है एम वन एन वन, M1 N1, यानी अगर बी देश एक यूनिट वो X की बनाता है तो उसे ओ एम वन कैपिटल प्लस ओ एन वन लेबर ये लगाना पड़ेगा, ओ एम वन कैपिटल ओ एम वन लेबर। अब आप कंपेयर करिए, क्या अज्यूम किया था हमने कि बी देश कैसा कंट्री है, श्रम प्रचुर देश, लेबर अबंडेंस कंट्री, और वहां लेबर चीपर है कंपेयर टू कैपिटल, वहां श्रम सस्ता है पूंजी की तुलना में। तो जब हम बी देश को देखते हैं तो वाई कमोडिटी अगर वो बना रहा है तो उसे बहुत ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ रहा है और लेबर कम है, और अगर वो एक्स कमोडिटी एक यूनिट बना रहा है तो हम देख रहे हैं कि लेबर ज्यादा लगा रहा है और कैपिटल कम है। तो जब वहां लेबर सस्ता है, श्रम सस्ता है, तो फिर वो किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। तो ये यहां पर हमें पता लग गया, हमारे हमें हमारा आंसर मिल गया कि ए कमोडिटी, ए देश
एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करेगा, वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, वो वाई कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन कर रहा है क्योंकि वो पूंजी प्रचुर देश है, ठीक है, वो कैपिटल अबंडेंस कंट्री है, और बी देश एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वाई को कम कर देगा, क्योंकि एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे हो, बिकॉज वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे बेस है, और बी देश श्रम प्रचुर देश है। तो यह सीधा सीधा कंक्लूजन जो हमारा पहला क्राइटेरिया है फैक्टर अबंडेंस को डिफाइन करने का, प्राइस करेक्ट क्राइटेरिया, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इजीली कि श्रम प्रचुर देश उस वस्तु का उत्पादन करे जो श्रम गहन तकनीक पर आधारित है, और उस वस्तु के उत्पादन को करके वो दूसरे देश को निर्यात करे, और पूंजी प्रचुर देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे जो पूंजी गहन तकनीक पर आधारित है, और उस वस्तु को उत्पादन करके वो दूसरे देश को निर्यात करे, ठीक है। कैपिटल अबंडेंस कंट्री उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे बेस है, जैसे यहां पर हो रहा है कि ए कंट्री वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और वाई कमोडिटी को बनाएगा और वो बी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा, और बी कंट्री जो लेबर अबंडेंस कंट्री है, जो श्रम प्रचुर देश है, वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और एक्स कमोडिटी का एक्सपोर्ट ए को करेगा और उसके बदले में वाई उससे इंपोर्ट करेगा। इस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होगा। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया था, फैक्टर प्राइस क्राइटेरिया, साधन कीमत दृष्टिकोण। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।